कराची से अहम खबर शामिल करें। कराची सुपर हाईवे नॉर्दर्न बाईपास कट के करीब ट्रैफिक हादसा पेश आया है और ट्रॉलर की टक्कर से दो मोटरसाइकिल सवार जाम हैं। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि कराची सुपर हाईवे नॉर्दर्न बाईपास कट के करीब ट्रैफिक हादसा पेश आया है जिसमें ट्रॉलर की टक्कर से दो मोटरसाइकिल पर सवार नौजवान जो है वो जांबहक हो गए हैं। मजीद तफसीलात लेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद काशान से। काशान, ये बताइएगा ये हादसा किस तरह से पेश आया? जी बिल्कुल देखें सुपर हाईवे नॉर्दर्न बाईपास कट के करीब ट्रैफिक हादसा पेश आया है। हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार दो नामालूम नौजवान जो है वो जवाक हो गए हैं, जबकि पुलिस जराये की जानिब से बताया गया है नामालूम ट्रायर की टक्कर से यह हादसा पेश आया है, जबकि इस हादसे को जिम्मेदार ट्रक का जो ड्राइवर है वो मौके से फरार हो गया है। पुलिस की जानिब से उसकी गिरफ्तारी के लिए जो है नाकाबंदी शुरू कर दी गई है। दूसरी जानिब मजीद पता चले जवाक अफराद की लाशें जो है जब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकल कर दी गई है। जाबाग होने वाले अपराध की शिनाख्त ताहल नहीं हुई है, उनकी शिनाख्त का अमल जो है बादशाह अस्पताल में मुकम्मल किया जा रहा है। पुलिस के अफसरान भी जो है बादशाह अस्पताल पहुंच गए, इनकी शिनाख्त का अमल जो है मुकम्मल किया जा रहा है। जी ठीक है, शिनाख्त का अमल जारी है। मोहम्मद काशान कराची से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी ईद की खुशियों में बोलने दिया अपने आवाम का साथ, पाकिस्तान को बदले बोल के साथ, अवामी शिकायत पर बोल ने उठाई आवाज। उधर पिशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है जिसमें 3,259 अहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कसली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।